Hello, good people. Welcome to episode 18 of Preparation Parlay, the last episode that will happen for Preparation Parlay for this cycle. At least that is what the plan is right now. Maybe if something else comes up next week, I'll talk about it. The first topic to be discussed today is body cycle management for different slots. And here I'm precisely talking of CAT. Yesterday, the admit cards are out. Everyone knows their slots. Everybody has speculated which slot is an advantage, which slot is not an advantage. People are nihilistic. So, मेरा ही slot सबसे बुरा है. सुबह सुबह जाना है तो सुबह उठने में दिक्कत होती है. दिन में जाना है तो दिन में मेरे को सोने की आदत है. शाम में मेरे को जाना है तो रात में लौटने में दिक्कत हो जाएगी और तब तक सबके रिव्यू आ चुके होंगे तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. यू विल फाइंड पेन. यू विल फाइंड पेन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्लॉट यू हैव बीन यू आर इन. एंड एवरीबडी जो भी तुम्हारे स्लॉट का है तुम्हारे साथ सहानुभूति रखेगा. जो तुम्हारे स्लॉट का नहीं वो अपना रोना रोएगा. लाइट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट यू नीड टू बी डूइंग राइट नाउ, एक्शनेबल पार्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट स्लॉट यू आर अ पार्ट ऑफ इज यू हैव टू मैनेज योर बॉडी साइकिल. सम ऑफ अस आर इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट इन टू द नाइट एंड देन अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर अनकॉन्शियस एज इन अनकॉन्शियस एकदम बेहोश रहते हैं. Some of us are in the habit of studying early in the morning and then going to bed fairly early. Some of us have whatever timelines here. So, abhi kaam ye karna padega. You have to get to the point wherein the slot that you are going to be taking your test in, jis bhi slot mein aap exam dene wale hain, us slot mein hi aap test dene ki aadat dalna chalu kare. Let's say if somebody has slot one, if somebody has slot one and that person has been a night ninja all throughout the preparation phase, raat raat bhar padhe hain aur subah 9 10 11 baje uthte hain, that is not ideal. Izzat se start making small but consistent changes. Thodi der zyada jago, thodi der kam so, thodi der zyada jago, thodi der kam so kar karke. Ideally people who are taking the morning wala exam, you should get into the habit of going to sleep by 9:30, 10 and waking up by 4:35 तक उठने की आदत डाल दो. क्योंकि सुबह सुबह उठोगे उसके बाद एक घंटे का तुम्हारा जो भी शौच क्रियाओं से निवृत्त होने में समय लगेगा. देन यू वुड ऑल्सो हैव योर एडिशनल ट्रैवल टाइम. जो भी काम कर रहे होगे योर ब्रेन इज ऑप्टिमली फंक्शनल रफली आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ यू हैविंग वोकन अप. उस टाइम पे आप काम करने को रेडी रहते हैं. सो इफ यू समहाउ इफ यू वेक अप एट 6ish एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हम एकदम 8:30 से काम करने लग जाएंगे, दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो. अदरवाइज इट वुड यूजुअली टेक लॉन्गर देन दैट. तो 6ish से पहले 4:35 तक उठने की आदत डालनी पड़ेगी सुबह 8:30 बजे जिनका स्लॉट है. मतलब जिनका स्लॉट है 8:30 बजे उसको थोड़ा 4:30-5 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी. आई अंडरस्टैंड गिवन दैट द वेदर इज चेंजिंग स्पेशली. मतलब हम तो दिल्ली में, तो दिल्ली में आजकल 4:30-5 बजे इतनी अच्छी प्यारी प्यारी हवा चल रही होती है, इतनी अच्छी नींद आती है. पर नहीं, उठना पड़ेगा तो उठना पड़ेगा क्योंकि है जरूरी. बस जरूरी है तो है, उठना चाहिए. एंड देन वट एवर यू वेक अप यू फूड वूड जो भी खाना है, डोंट बी अ वेरी हैवी ईटर इन द लास्ट फ्यू डेज. डोंट बी अ वेरी लाइट ईटर. मतलब खाना खाओ तो खाना खाने के लिए खाओ. फालतू का अभी अभी बेसिकली ये बीमार बीमार मत पड़ जाना. फालतू का टेंशन मत लेना. आराम से सुबह उठो, वॉक वॉक दो, उसके बाद बैठ के एनालिसिस करो. दिन में इफ यू वॉन्ट टू स्नैच अ नैप, थोड़ी देर सोने का मन है सो सकते, बट दैट शुड नॉट समहाउ ब्लीड इन टू योर स्लीप लेट एट नाइट. और जिनको भी आदत है ना कि नहीं रात में जब सब शांत हो जाते हैं, जब सब सो जाते हैं, घर वाले निकल जाते हैं, तब हम बैठ के पढ़ेंगे, हम रात में 2 घंटे नींद से भी मैनेज कर लेंगे. एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, दिक्कत रहती है. रात का नींद इज फार मोर क्रिटिकल देन दिन का नींद. रात में कम से कम तुम्हें 5-6 घंटे निपटाना ही है तो खींचना उससे. अच्छा, ये तो सुबह स्लॉट का रहा. दिन स्लॉट वालों को देखो, बेसिकली फर्स्ट स्लॉट से ही टेम्पलेट मिल जाएगा. You should ideally be up at least four hours in advance of whatever slot you have. तो दिन में 12:30 बजे का अगर आपका स्लॉट है तो सुबह आप 8 बजे तक उठ जाइए. घर पे ही अभी जो भी काम कर रहे हैं 8 बजे तक उठ जाइए, फिर आराम से
जो भी काम वाम करना है उसके बाद निकलिए। और फिर जिनका 6:30 4:30 बजे का स्लॉट है, 4:30 बजे का स्लॉट है, यू हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग इन बेड अप अंटिल लेट्स से 10, 10:30, 11, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज बॉडी क्लॉक मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स मेक श्योर कि डिपेंडिंग ऑन हाउ फार योर सेंटर इज एंड एवरीथिंग, उसके हिसाब से भी आप एडजस्टमेंट करें। इफ योर सेंटर इज फेयरली फार अवे और एकदम सुबह सुबह जाना है, ट्रैफिक ट्रैफिक पैरामीटर्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। लास्ट ईयर देर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ पीपल हैविंग रॉन्ग गूगल मैप लिंक बीइंग शोन इन सेवरल एग्जाम्स इंक्लूडिंग कैट। तो सेंटर का कंफर्मेशन एक दो दिन पहले कर लीजिएगा, कहाँ पे है, क्या है, वहां का फोन नंबर दिया होगा, उनसे फोन करके रास्ता पूछ लीजिएगा, व्हाट एवर यू कैन, इफ यू कैन फिजिकली गो एंड चेक आउट द सेंटर, इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू फॉर पीस ऑफ माइंड, वो भी जाके कर सकते हैं। और क्या, टाइम से सोना, टाइम से खाना, अभी के टाइम में फालतू का टेंशन मत लेना। अच्छा, दैट इज बॉडी क्लॉक साइकिल मैनेजमेंट। प्लीज बॉडी को आदत डालिए, जिस टाइम पे आपको मॉक देना है, जिस टाइम पे आपका एक्चुअल कैट है, उस टाइम पे दिमाग चलना चाहिए। इट शुड नॉट सो हैपन कि हमें मस्त सुबह 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 पढ़ने की आदत है और आपको इवनिंग स्लॉट मिला हुआ है, इवनिंग स्लॉट में तो हम सो रहे होते थे। एंड ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट कि कल आया है तो आज से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और आज से तुम एकदम उसी स्लॉट में मैनेज करना चालू कर दोगे। लगेगा टाइम, गिव योर सेल्फ अ वेरी वेरी हार्ड डेडलाइन ऑफ 10th नवंबर। 10th नवंबर तक योर स्लीप साइकिल, योर एवरीथिंग शुड बी मैनेज। एंड देन 10th नवंबर का डेडलाइन दिया है, ये कॉलेज का डेडलाइन मत ट्रीट करना इसको कि 10th नवंबर है ना, हाँ, तो फिर हम 8-9 तारीख से एडिट करना चालू करेंगे। अभी से एडिट करना चालू करोगे तो 10th नवंबर तक कंफर्टेबल होगे। द अर्लियर यू गेट कंफर्टेबल विद द टाइम स्लॉट दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू अपियर फॉर कैट इन, द बेटर इट इज फॉर यू। तो ये 10th हार्ड डेडलाइन है, 10th डेडलाइन नहीं है कि भाई तब तक जमा कर दिया तो सब बढ़िया है, जिसने जल्दी से जल्दी कर लिया चेंज उसका ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग मोड फॉर लास्ट क्वेश्चन प्रेपरेशन। ये समझो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल ना जिनकी तैयारी अभी इनएडिक्वेट हो रखी है, जिनमें बहुत सारी पढ़ाई नहीं करी हुई, और उनको ज्ञान देने वाले दुनिया में 15,000 लोग रहेंगे। माई मोर एडवाइस टूवर्ड्स लास्ट, मतलब लास्ट पुश में क्या करना है, क्यों करना है, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं हो रखी ना, वो लास्ट पुश करके भी कुछ नहीं करेगा। बिकॉज लेट्स से तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए, तुम्हें खाना बनाने का काम मिला है, तुम्हें सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, रोटी बनानी है ना, तुम्हारे पास सब्जी है, तुम्हारे पास दाल भी इतनी, तुम्हें 4 लोगों का खाना बनाना है, दाल भी इतनी है कि एक आदमी का बन पाए दाल, और तुम्हारे पास चावल भी इतने हैं कि एक आदमी का बन पाए खाना, तुम्हें 4 लोगों का खाना बनाना है। नाउ ऑफ कोर्स व्हाट यू वुड डू इज अपने एक एक व्यक्ति का ही खाना है तो अपने 4 लोग हैं भूखे, थोड़ा बांट बांट के खा लेंगे, किसी तरह सरवाइव कर लेंगे, जी लेंगे, क्योंकि भाई बंटवारा, शेयरिंग इज केयरिंग, वी विल मैनेज समहाउ। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स रेडी बट मतलब यू हैव ऑल द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड, फिर उस टाइम पे फालतू का स्ट्रेस लेना यू मतलब वर्थ इट नहीं है। मोर ऑफ द एडवाइस दैट फ्लोट्स इन द मार्केट इज फॉर द पीपल जिनके पास अभी खाने का रॉ मटेरियल नहीं, जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रखी पहले, मोस्ट ऑफ अस, जिन्होंने नॉट मोस्ट ऑफ अस बट दोज ऑफ अस हु हैव डन, तुमने साल भर खूब सारी मेहनत कर ली है, यू हैव प्रैक्टिस्ड अपवर्ड्स ऑफ 400 RCs एंड 500 DILR सेट्स एंड QA के अंदर यू हैव डन अपवर्ड्स ऑफ 4,000 क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, इतना काम तुमने कर लिया है। और तुम में से कईयों ने किया है विदाउट इवन रियलाइजिंग, तुम में से कईयों ने किया है। तो वंस यू हैव रीच्ड दैट स्टेट, तो अब बता रहे ना, अब प्लीज नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चन टाइप्स और नई चीजें सीखने की फालतू पचड़ों मत पड़ना, क्योंकि अभी फोमो इस्तेमाल करके खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले निकलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे फॉर्मूले निकलते हैं कि ईयर ऑन ईयर हम ही हैरान रह जाते हैं। पहले हम हैरान होते थे, ओ इतनी सारी चीजें जो मेरे को नहीं आती, फिर हम टेस्ट देने जाते हैं, एग्जाम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है वो सब का कोई यूज है नहीं, फिर अगले साल हम इस बात से हैरान होते हैं कि भाई हाउ डज द मार्केट कीप फाइंडिंग एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल फॉर्मूले एंड एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल इनपुट वेज, क्योंकि
गिवन दैट स्टूडेंट्स डोंट रियली नो व्हाट इज आस्क्ड इन क्या एट, तो उसके बाद उनको लगता है ना यार ऐसा, अच्छा ये भी सीखना जरूरी है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे फॉर्मूले घूम रहे हैं ना मार्केट में, मतलब सुन के ही हम पागल हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्यों करना पड़ रहा है लाइफ में, सवाल हो जा रहा है उसके बिना, एब्सोल्युटली उसके बिना, बट वो काम चल रहा है। तो राइट नाउ एज सुन ऑल्सो देर इज दी ब्यूटिफुल पावर ऑफ माइंड। अब जब क्वेश्चन वेस्टन प्रैक्टिस करते हुए टेस्टिंग करते हो, प्लीज डोंट एंगेज इन हैवी प्रैक्टिसिंग हैवी टेस्टिंग, मस्त रिलैक्सिंग का टाइम आ गया, दो मस्त मॉक दो, 2 दिन में मॉक देना, 3 दिन में मॉक देना, मॉक देना है दो, तुमने सोल्यूशन देखा, तुम्हें एक बार में आ गया तब तो ठीक है, तुम्हें नहीं आया मस्त आगे बढ़ जाओ, उस सवाल की घुसना नहीं, अरे ये कैसे हुआ, कहाँ गलत चला गया, क्यों हुआ, क्योंकि आप अपने ब्रेन को मतलब स्पीक इट अप, स्पीक इट इनटू एग्जिस्टेंस, इफ अ क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू आफ्टर यू हैविंग डन ऑल द वर्क, इफ अ क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू आफ्टर यू हैविंग डन ऑल द वर्क, दैट क्वेश्चन इज बैड, नॉट यू दैट इज बैड, नॉट यू दैट इज इनएडिक्वेट, दैट क्वेश्चन इज बैड, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कैट में नहीं आने वाला, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा उसका सोल्यूशन तो क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी आस्क्ड इन कैट, ये मान के चलो। अभी आखिरी के 1 महीना मस्त खुद को यही टारगेट रख के चल रहा है, एंड दिस इज फॉर पीपल हु डन लॉट ऑफ वर्क, दोज ऑफ अस हु हैवंट डन अ लॉट ऑफ वर्क, इवन फॉर यू द एडवाइस वुड बी बाय द टाइम नवंबर 15 रोल्स अराउंड, नवंबर 15 के बाद तुम भी ये खुद को, खुद के ब्रेन को बस धोखा देना चालू कर देना, द इनहेरेंट डाइकोटमी हियर इज, अगर तुम जानते हो कि तुम खुद के ब्रेन को धोखा देने के लिए बोल रहे हो, विल द धोखा बी सक्सेसफुल, रेपिटेशन, अ लाई रिपीटेड सेवरल टाइम्स ओवर बिकम्स, लाई रिपीटेड सेवरल टाइम्स ओवर में विश्वास तो आने ही लगता है, जैसे तुम्हें पता ही, आई एम अहमदाबाद एलुमनस, तो बस हम हैं, अगर हम 5 बार बोल देंगे तो लोग मान लेंगे, लेकिन धोखा है, आई एम डेफिनेटली नॉट एन आई एम अहमदाबाद एलुमनस, नहीं आया, नहीं है, दुख हो गया जीवन में। एनीवे, सो फॉर द लास्ट फ्यू डेज खुद को एकदम हैवी ट्रिकिंग ब्रेन वाइज करना है, फालतू, इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इवन व्हेन यू आर टेस्टिंग, व्हाट एवर यू आर चूजिंग टू डू, इफ अ क्वेश्चन यू अटेम्प्ट, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो आगे बढ़ गया, सोल्यूशन देखते वक्त पहली बार देखा सोल्यूशन आ गया, पकड़ा गया क्या बोल रहा है तो ठीक है, नहीं पकड़ा है तो बढ़ गया आगे, डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन क्वेश्चंस और सेट्स दैट एंड अप टेकिंग एफर्ट फ्रॉम योर एंड, और समझने में ही पूरा नया नया कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़े, जितना आना था आ चुका है, दैट पोर्शन इज डन, आखिरी के 1 महीने में दुनिया पलट के कैट फोड़ने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एनेक्डोटल स्टोरीज, और मेरे भैया के दोस्त ने ऐसा किया था और मेरे चचा के पप्पा ने ऐसा किया था, तो उन्हीं कहानियों में रहते हैं, नोबडी हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड कैट विल टेल यू कि आखिरी 1 महीने के अंदर मैंने एक नया टॉपिक सीखा और उससे मेरी दुनिया में बदलाव आ गया, ऑल दीज फनी आई प्रिपेयर्ड फॉर कैच फॉर ओनली 3 मंथ्स वाले वो लोग हैं जो पहले 1 साल 2 साल अटेम्प्ट मार चुके हैं, 21 साल में 3 महीने के लिए भाई लोगों ने मस्त बॉक्स दिए थे, एंड ऑल दैट लर्निंग फॉर 2 ईयर्स उसको डिस्काउंट कर देते हैं, यूट्यूब वीडियो में थंबनेल बना देते हैं, पिछले आई क्रैक्ड कैच इन 3 मंथ्स, बेटा 3 मंथ्स प्लस द 2 ईयर्स, तो 1 महीने के अंदर दुनिया पलटने वाला, इट इज हाईली अनलाइकली दैट इज गोइंग टू हैपन, बट फिर भी जो अपने कर सकते हैं कर सकते हैं, तो अभी ब्रेन को मस्त एकदम पॉजिटिव एनर्जी से ओवरफ्लो कराओ, ट्रिक करो, जितना आता उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे ही नहीं, अगर नहीं आता सवाल तो लाइट लो, ये छोड़ देना है, ये क्वेश्चन ही करने लायक नहीं है, दिस यही क्वेश्चन बाई स्किल द टाइम डेवलपिंग इज, ये क्वेश्चन एग्जाम स्किप करेंगे आप, माई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, वैसा। अच्छा, नेक्स्ट इज ओमेट्स बैकग्राउंड वर्क दैट शुड हैपन साइमल्टेनियसली अलोंग विद कैट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस रियलाइज, बट कैट के खत्म होते ही, कैट के खत्म होते ही विद इन द नेक्स्ट 13 डेज स्नैप है, और 13 को स्नैप है ना, हाँ फिर मतलब 10 को स्नैप है, फिर 18 को टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी स्नैप और IFT दोनों है, और 23 को भी स्नैप है, और बीच में बहुत सारे एनमैट के काम भी चल रहे हैं, एनमैट का तो आई एम होपिंग एनीवन हु हैज टेकन एनमैट का अटेम्प्ट हैज ऑलरेडी डन इट, डन एंड डस्टेड हो गया, बाकी लोग जो बाद में दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग इज वेरी, मतलब पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे हम उस टाइम फ्रेम के अंदर, कब करना है क्या करना है, अगर तुमने ले रखा है तो ले रखा है, देन यू हैव नो वे अराउंड इट, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, लेकिन
अभी तक एनमेट डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए, अक्टूबर अक्टूबर में निपटा देना था एनमेट। एनीवे अभी वो जब कैट वैट आएगा ना, तो हम ये बोल रहे हैं 15 15 नवंबर के बाद से कैट के कोई मॉक देने से आई एम रेजिस्टेंट एंड एवरीथिंग, तब हम बोलेंगे स्नैप का 2 3 मॉक देना, स्नैप का मतलब 3 3 4 4 दिन के गैप पे स्नैप के मॉक देना, एक दो IFT का मॉक देना। द पॉइंट बीइंग एक तो स्नैप का मॉक दोगे तो कॉन्फिडेंस अलग आएगा, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी स्लाइटली लेस चैलेंजिंग, स्कोर वर्क वहां पे भी स्कोर की एक्सपेक्टेशंस मत देना, बस पेपर देखने के लिए क्या आता है क्यों आता है वो सब देना चालू करना, एनालिसिस एनालिसिस की इस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं उस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं। देखो स्नैप का पेपर कोई इसलिए नहीं देता कि उसके अंदर टॉपिक के सब उसके अंदर से टॉपिक का कुछ सीखेंगे, स्नैप के मॉक इसलिए देता है कि 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन निपटाने के लिए क्या पेस होनी चाहिए, क्या जुडिशियसली छोड़ सकते हैं क्या जुडिशियसली उठा सकते हैं, इसका गेम चलता है। तो 15 नवंबर के बाद से स्नैप मैप का मॉक देने लग जाना, एक ही IFT का मॉक देना, उससे ज्यादा देना मत, IFT का मॉक विल बी ड्रेनिंग उनका, यही समझो। पिछले साल अगर IFT का मॉक दे रहे हो तो द स्कोर्स आउट ऑफ 300 विल हैव टू बी थोड़ा सा ज्यादा, क्या बताएं, 180 आ गया, दैट वुड बी लाइक हाई लेवल टॉपर्स, वरना IFT में कॉल गेटर्स IFT कॉल गेटर्स उनका स्कोर एनीवेयर फ्रॉम 85 to 130 रहता है, दीज आर लाइक दी कॉल गेटर्स एंड कन्वर्टर्स ऑफ IFT की बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल का गेम नहीं खेलते अपने, इस पे ये उस पे वो गेम नहीं कर रहे, बस ये बोल रहे हैं कि भाई IFT का पेपर देना चालू करो, क्योंकि IFT के पेपर में दिक्कत ये है 300 मार्क्स का पेपर है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पेपर आपको सेट असाइड करना पड़ेगा, नहीं हम नहीं करेंगे, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस, ये मेरी औकात के बाहर है, ये मेरी औकात के बाहर है। फॉर ऑल इट्स फन इन कैट वी डोंट लीव असाइड 2/3 ऑफ द पेपर, मतलब नोबडी वॉक्स इन टू द पेपर थिंकिंग कि मेरे को ना 66 मार्क्स लाने हैं, 66 मार्क्स लाने हैं। IFT के अंदर अगर आप 66 मार्क्स या 1/3 ले आए, 100 नंबर ले आए, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल ऑफ कोर्स, इट इज हाईली लाइकली यू विल एंड अप विद अ कॉल फ्रॉम द कॉलेज, व्हिच इज प्रिसाइसली द पॉइंट ऑफ द एग्जाम। तो IFT के अंदर पिकिंग एंड चूजिंग क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक मॉक कैट से पहले दे देना, कैट जैसे ही खत्म होगा उसके अगले दिन दे देना दूसरा मॉक, और फिर पता करना क्या व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। फॉर इंस्टेंस अपना पर्सनल लेवल भी बता रहा है, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कैलकुलेशन इंटेंसिव DI बिकॉज IFT इज द लास्ट होप फॉर कैलकुलेशन इंटेंसिव DI, और कहीं पे भी कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट्स उतने आते नहीं है। तो अब सिर्फ एक IFT के लिए हम साल भर का मेहनत करके कैलकुलेशन इंटेंसिव DI अच्छा करें, आई एम नॉट दैट हार्ड वर्किंग, हमने मस्त लाइट लिया हुआ है। इट इज नॉट टू से दैट आई कैनॉट डू कैलकुलेशन वाला DI, आई कैन, बट देन आई ऑलवेज मेक अ चॉइस बिटवीन, अगर मेरे को एक LR का सेट करना है, मेरे को एक कैलकुलेशन इंटेंसिव DI का सेट करना है, तो आफ्टर हैविंग इंश्योर्ड कि मेरा ये DI का एक दो सेट जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स विद इन DILR के सेक्शन में, फिर हम जाके मस्त LR पे ज्यादा समय बिताते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वांट के अंदर बचा है, हम क्वांट पे ज्यादा समय बिताते हैं, हम RC का पैसेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, हम VA के क्वेश्चन मस्त अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। DI अब जानते हैं दिस इज दी ब्लैक बॉक्स वेयर ड्रीम्स गो टू ड्राई डाई, बट दिस इज आफ्टर आई हैव टेकन द एग्जाम सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स एंड हैविंग टेकन अ लॉट ऑफ मॉक्स अलॉन्ग द वे, आई रियलाइज ये वाला मेरे को उतना खुशी नहीं देता है, मेरे को कैलकुलेशन करना खुशी नहीं देता है, एंड द नंबर ऑफ केयरलेस एरर्स दैट स्लिप इन टू माई वर्क इज हायर वेन इट कम्स टू DI। अच्छा फन चीज ये है, ये सुनने के बाद ना अभी कुछ कुछ लोग मन में चल भी रहा हो, हाँ मेरे साथ भी यही है, कैलकुलेशन इंटेंसिव DI मेरे को पसंद नहीं है। बेटा दिस स्टेटमेंट फ्रॉम माई एंड आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स दैट आई हैव कंडक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, योर इफ यू आर मेकिंग दैट स्टेटमेंट राइट नाउ विदाउट हैविंग टेकन एनी नंबर ऑफ IFT मॉक, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्योर इमोशन, इमोशंस आर नॉट रिलायबल, इमोशन के हिसाब से तो पता नहीं दुनिया ही पलट जाएगी। प्लीज 3 4 टेस्ट दे के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे काम चल रहा है, इट कुड वेरी वेल हैपन दैट यू रियलाइज बेटा, मतलब देर आर पीपल स्टूडेंट्स इन द पास्ट हु हैव रियलाइज्ड, एज मच एज आई से मेरे को कैलकुलेशन इंटेंसिव DI पसंद नहीं है, द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट इज मच मच हायर कंपेयर टू द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम क्वांट का सेक्शन, क्वांट के सेक्शन में मेरा उतना सही नहीं होता जितना मेरा टाइम लग जाता है, लेकिन कैलकुलेशन इंटेंसिव DI मेरे से हो जा रहा है। देन ऑफकोर्स फॉर यू डूइंग लेट्स से
25 में से 10 क्वार के सवाल निपटा दिए और उसके बाद तुम कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई पे ज्यादा समय बिता रहे हो, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। बट नहीं, अपने तो कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई नहीं कर रहे, तो मेरा क्वांट ज्यादा रिलायबल रहता है, इसी में हम क्वांट पे समय लगाते हैं। देख लेना व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू। तो स्नैप और आईएफटी यही दोनों एग्जाम्स के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि एनमैट आई एम गेसिंग अब तक मैक्स का निपट गया होगा। ऑफ कोर्स जैसे ही कैट खत्म होता है उसके अगले अगले क्या उसके विदिन बाई 30 नवंबर आइडियली यू शुड हैव आल्सो गॉन थ्रू व्हाट इज डिसीजन मेकिंग इन जैट और क्या लगता है क्यों लगता है। होपफुली एट द टाइम आई विल हैव समथिंग, आई विल हैव एन ऑफरिंग, आई विल हैव एन ऑफरिंग दैट यू कैन पोटेंशियली पेरूज। बट फॉर द टाइम में कैट से पहले पहले एक दो स्नैप के मॉक और एक आईएफटी का मॉक दे देना, सो दैट एक तो कैट ये पता चले कि कैट के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और आगे का काम के लिए इफ यू आर वेटिंग कैट खत्म होगा फिर हम स्नैप का भी मॉक तभी देंगे और फिर हम आईएफटी का भी मॉक तभी देंगे, हम 20 दिन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के मॉक देके भी निकाल देंगे। आइडियली तो इज्जत से अभी नवंबर खत्म हो मतलब नवंबर चालू होने से पहले एक दो मॉक दे देना चाहिए तुम्हें, तो स्नैप के या आईएफटी के जो भी काम है, लेकिन देखेंगे आगे जब आएगा तब आएगा। दैट विल बी ऑल फॉर दिस एपिसोड पीपल, होपफुली यू लर्न समथिंग एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड फॉर कैट 2022 साइकिल। मिलेंगे अब अगले साल इफ दिस इज द वे इट स्टेज। अगर बीच में मेरे को कुछ और लगा शेयर करने लायक ज्ञान देने लायक देन आई विल कम बैक, अदरवाइज ओके बाय, हैव फन।